गांव में आरोग्यदायी सुरक्षित मातृत्व योजना एक साल से शुरू है। इस योजना में मैं भी आशा स्वयंसेविका का काम करती हूँ। यहाँ इस योजना में मेरे गांव के जो गर्भधर माताएं हैं उन्हें हम सरकारी अस्पताल में तपासने के लिए ले आते हैं और उनकी तपास नेत्रज्ञ डॉक्टर से की जाती है और यहाँ आने के बाद उन्हें सब चेकिंग करने के बाद टैबलेट, खाना और सेहत का और अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए इसके बारे में भी बताया जाता है। और इस कारण मेरे गांव की जो महिलाएं में माता मृत्यु और बाल मृत्यु में नियंत्रण आया है। इथं आल्यानंतर असं बरीच अशी माहिती मिळते की जे काळजी घेतली पाहिजे आईनी एक चांगली आई होण्यासाठी। तुम्ही इथे कशासाठी आलाय? इथे मी आत्ता सध्या प्रेग्नेंट आहे त्यासाठी इथे आलेले आहे आणि ते मूलभूत सुविधा आहेत ना। काय सुविधा आहे तुम्हाला इथे? इथे मोफत रक्तलघवी चेक केलं जातं, परत पुन्हा वजन उंची वगैरे केलं जातं, ब्लड ग्रुप टेस्ट केला जातो। तुम्हाला याच्यापासून काय फायदा होतोय का? हो, इथे पैसे पण भरपूर वाचतात आणि माझं बाळ सुदृढ आहे का नाही ते पण कळलं जातं आणि खाजगी दवाखान्यामध्ये भरपूर पैसे सुद्धा जातात ना। ही योजना माता मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी होण्यासाठी ही फक्त पुणे जिल्ह्यामध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झालेला आहे। इस योजना में मैं भी आशा स्वयंसेविका का काम करती हूँ। मुझे इस योजना से बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरे गांव की जो गरीब महिलाएं हैं वो परिस्थिति के कारण खासगी अस्पताल में प्रेग्नेंट के दिन तपासने के लिए नहीं जाती थी, मगर अब वो सरकारी अस्पताल में आती है और वो पहले डिलीवरी के लिए घर में ही ठहरती थी, मगर अब हमें कहती है हमें सरकारी अस्पताल में लेके चलो। आता सध्या आपल्याकडं आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जवळजवळ 60 प्रसूती झाल्या ह्या वर्षामध्ये, तर 60 प्रसूतीमध्ये फक्त कमी वजनाची 3 मुलं जन्मली म्हणजे 2.5 किलोच्या आतली, बाकीची सगळी मुलं ही 3 किलोच्या जवळची मुलं आहेत। म्हणजे हे एक आपलं उद्दिष्ट साध्य झालं आणि माता मृत्यू ह्या वर्षात एक सुद्धा झालेला। जो भ्रूण हत्या का प्रमाण था वो भी इससे कम आ रहा है। मुझे लगता है ये योजना हर राज्य में होनी चाहिए जिसके कारण माता मृत्यु बाल मृत्यु भी रोक जाएगा और जो कुपोषित नाम है वो भी मिट जाएगा। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वाल्ले गांव से, इंडिया अनहर के लिए।